हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप पोर्टेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार आपके पीसी में दिक्कत आती है कि आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करप्ट हो जाता है, तो आपको नया ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाना पड़ता है। तो आप अगर बाजार में डलवाने जाते हैं तो वो 500-600 रुपये तो आपसे ले लेता है, जो भी लाइसेंस बन वो भी डाल के दे नहीं देता। तो आप ये घर बैठे भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। आपको केवल अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है और उस पेन ड्राइव के थ्रू आप अपने जो भी सिस्टम है उसमें विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप ये कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है रूफस। तो रूफस सॉफ्टवेयर की जो भी लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ की जरूरत है वो है ISO 5, जिस भी विंडो के वर्जन की आपको जिस भी विंडो के वर्जन की आपको बूटेबल बनानी है पेन ड्राइव, उसकी ISO फाइल आपको जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर विंडोज 8.1 की ISO फाइल है वो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो मैं उसकी बूटेबल पेन ड्राइव बनाकर आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं रूफस सॉफ्टवेयर है उसको खोल देता हूँ, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। ओके, तो यहाँ से इसको तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो डायरेक्टली आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे सीधे आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं, आपको इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये डायरेक्ट आने वाला सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ से आप अपने डिवाइस से जो भी पेन ड्राइव है उसको इंसर्ट कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर 32 GB की पेन ड्राइव ले रखी है, मैं इसको बूटेबल बनाने वाला। आप इस एक काम कीजिएगा, इसको एक बार फॉर्मेट ज़रूर कर लीजिएगा इस पेन ड्राइव को, जिससे आपको इसमें जो भी डेटा होगा वो ऑलरेडी खाली हो जाएगा। ओके, फॉर्मेट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे रूफस पे जाना है, यहाँ से आपको ISO फाइल जो भी आपने डाउनलोड की है उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर विंडोज 8.1 की जो भी ISO फाइल है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि इमेज ऑप्शन वगैरह। यहाँ पर आपको इमेज ऑप्शन स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन ही रखना है। यहाँ पार्टीशन स्कीम यहाँ पर MBR कर दीजिए, और बाकी ये टारगेट सिस्टम वगैरह आपको किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना है। ओके, यहाँ पर वॉल्यूम लेवल है वो अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर विंडोज 8.1 दे देता हूँ। ओके, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं आपको जो सूटेबल लगे। यहाँ पर फाइल सिस्टम NTFS ही रहने दीजिए और यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। तो ये हमारी जो पेन ड्राइव है बूटेबल बनना स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये कि ISO फाइल जो है कॉपी होने लगी है। ओके, तो ये कुछ 5 से 10 मिनट लेगी आपकी जो कि पेन ड्राइव है उसको बूटेबल बनाने में। ओके, उसके बाद आपकी जो पेन ड्राइव है वो विंडो इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हो जाएगी। तो आप उस पेन ड्राइव के थ्रू अपने जो भी PC या लैपटॉप है उस पर विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से घर बैठे। तो ये तरीका बहुत ही आसान है, इस तरीके को आज ही अपने घर अपने जो PC है लैपटॉप पर करके देखिए। अगर आपके इस PC में भी दिक्कत आ रही है, आपकी विंडो करप्ट हो चुकी है या किसी और दिक्कत है, तो आप इसमें नया विंडो डालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से डाल सकते हैं। अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि विंडो पेन ड्राइव के थ्रू कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा अगली वीडियो में। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।